भैया, या तो आप अपना सर फोड़ लीजिए या आप सर लीजिए या मैं ही फोड़ लेता हूँ। ऑनलाइन चेक कर लीजिए बीपीएल, आप तीनों में से कोई सर फोड़ ले तो अच्छा रहेगा। या तो आपके प्रिंसिपल साहब को नहीं पता या डीएम को नहीं पता, आप बहुत बुद्धिमान होंगे। प्रेस वालों से बोल लीजिए, हम लोग यही काम करते हैं। बेस अस्पताल में बीपीएल को 100% दवाइयां फ्री मिलती है, आपके अगले अलग रूल है। और आप डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिए, क्या आप ऐसी दवाइयां लिखेंगे जो एक भी अस्पताल में मौजूद ना हो? लाइफ सेविंग है क्रोमेफिन, आपके पास मतलब इतनी बेसिक दवाई भी नहीं है। हमारे पास सॉर्बिट्रेट है, तो यहाँ से क्यों नहीं मिली? यहाँ से लिखवा रखी आपने बाहर से खरीदने के लिए? ये किसकी हैंड राइटिंग है? ये किसकी हैंड राइटिंग है बताइए मुझे। अरे पंकज, इससे पूछे किसने लिख के दिया? रेलवे डलवाए जरा। अभी तो सर इनका करीब 5,000 का बिल दिख रहा है मुझे, करीब करीब। हाँ, ये किस डॉक्टर के ट्रीटमेंट में? नहीं, सबसे पहली बात तो ये ड्यूटी किसकी है चेक करने की, whether somebody is DPL or not? आप कल आदेश करेंगे 5,000 उनकी तनख्वाह से काट के इनको दीजिए। ये जितना ही है, ठीक है? जिन पेशेंट का नाम है प्रिंसिपल साहब विल ऑर्डर दैट दैट मच अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी एंड पेड टू द पेशेंट। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो आप नौकरी करते मुफ्त में देनी है ना, मुफ्त में देनी है। अब आप ये बताइए आपके पास ये दवाई है या नहीं है? हमारे पास सॉर्बिट्रेट जैसी दवाई भी नहीं है क्या? है या नहीं पहले ये बताइए। अब ये हैंड राइटिंग किसकी है? ये हैंड राइटिंग किसकी? वो कहाँ है वो आदमी, बता क्यों नहीं पा रहा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? अब तक भाई मैंने आए, क्यों लिखा आपने? सर हमने इसको कॉपी किया। आपको पता है सॉर्बिट्रेट यहाँ पे है नहीं? सर हमें नहीं मालूम, जो सीनियर कहते हैं। कौन है आपका सीनियर? क्या बोला तुमने? नहीं सर, ये क्या बोला इसने तुमको? क्या बोला सर? हम ये ना, ये तुम कौन रखते हो कॉपी करने वाले पे? यहाँ पे जो ड्यूटी हो गया तो वो कॉपी करे? हु आर यू? ये कौन है असली धंधा? इसके साथ कमीशन खोली ना संयोग फार्मेसी के साथ? बनाओ बनाओ। हु इज ही टू राइट डाउन? आपने क्या बोला इनको? डॉक्टर साहब बताइए, मैं आपको डांट रहा हूँ जैसे कि मैं डायलॉग डांटता हूँ, तो बड़े लिखे लोग मुझे डांटना भी नहीं चाहिए, आप खुद ही समझदार लोग। ये आपने किसने बोला इनको लिखने के लिए? और पहली बात ये बताइए सॉर्बिट्रेट अभी अवेलेबल है या नहीं यहाँ पे? फिल फर्दर ऑर्डर्स, इनकी सैलरी आप रोक देंगे कल। इनकी डीडीओ वहां किसके पास है? ड्रॉइंग डिस्पोजिंग पास किसके पास है? किसके पास है? फिल फर्दर ऑर्डर्स दे विल बी स्टॉप, और कल मैं सेक्रेटरी हेल्थ को लिख चिट्ठी लिखूंगा, ठीक है? ये आपके अस्पताल में ये चल रहा है, आप इनके मुझे नाम और डिटेल्स दे दीजिएगा। आप इनके नाम और डिटेल्स दे दीजिएगा डॉक्टर साहब के। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? अभिषेक सिंह। कोई अवेलेबल नहीं है सर, मेडिसिन नहीं है। क्या चीज इनमें से कोई बता नहीं? तो आप क्यों ऐसी दवाइयां लिख रहे हो? क्या हमारे पास एलसीडी एलएसडी नहीं होनी चाहिए? प्रीमियर अस्पताल में एलएसडी नहीं होनी चाहिए?